गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बाकायदा आपको आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं जिससे आप लोग पढ़ाई कर सकें। तो मैं आपकी थर्ड क्लास की जीके टीचर अनुपमा बोल रही हूँ और जिसके द्वारा आप वीडियो देखेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आपने बुक तो परचेस कर ही ली होगी, तो आपको बुक जो परचेस नहीं की हो तो कर लीजिए जिससे आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकेंगे और रेगुलर पढ़ाई हो सकेगी। तो इसी अगर और भी सब्जेक्ट के आप वीडियो देख रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, और इसी तरह आपको और जीके का भी आपको वीडियो देखना है और वर्क करना है। तो बच्चों आपको ये जीके की बुक अरेंज करनी है, ये परचेज कर लीजिए सारी बुक थर्ड क्लास की, और ये जीके बुक है। तो इसी तरह आपको जीके का आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये देखो ये बुक है और ये जीके का फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। आपको आज यही फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और जीके में फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स। तो आज हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स। क्लासेस मीन्स होता है कैटेगरी यानी डिफरेंट टाइप्स कैटेगरी किसकी, एनिमल्स की। तो बच्चों आपकी बुक्स में फर्स्ट चैप्टर जो दिया है उसमें डिवाइड किए हुए हैं 6 एनिमल्स का डिफरेंट टाइप्स है ना। जैसे कि फर्स्ट में दिया है 6 एनिमल्स दिए हैं। और बच्चों आपकी जो एनिमल्स की जो कैटेगरी है उसको 6 एनिमल्स यानी 6 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि आपकी बुक्स में भी दिखाया हुआ है। 6 कैटेगरी में दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, है ना। इसमें रेप्टाइल में जो रेंगते हैं जमीन पे, जैसे सांप है और लिजार्ड है, जो कई बार आपने देखा होगा कि दीवार पे और कहीं भी आपको देखे, गर्मियों में भी काफ़ी देखने को मिलती है और दीवारों पे चल रही है या कहीं पर, ये सब रेंगने वाले हैं एनिमल्स हैं। और इन एनिमल्स के बारे में यहाँ पर जो लिखा हुआ वो मैं पढ़कर आपको सुना दूंगी कि किस एनिमल्स के बारे में क्या है, वो मैं वीडियो में अभी आपको पढ़कर एक एक एनिमल्स के बारे में समझा दूंगी। और सेकंड नंबर पर है बर्ड। बर्ड में कौन से आ रही है, बर्ड में जैसे स्पैरो है, पिजन है और पिकॉक है, ये क्या 2 लेग्स की हैं, वो बर्ड में आ रहे हैं। तो यहाँ बर्ड के बारे में बताया हुआ है कि 2 लेग्स वाले मोस्ट देन कैन फ्लाई, ये ज़्यादातर पक्षी जो बर्ड्स हैं उड़ते हैं, है ना। और थर्ड नंबर पर है मैमल। मैमल्स के जो बताया हुआ है कि मैमल्स किस टाइप से, मैमल्स क्या के उनके जो बच्चे होते हैं यंग वन, और ये अंडे नहीं देते हैं, जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, जेब्रा है, ये इनके बच्चे होते हैं, ये खुद अपने बच्चों को पालते हैं, दूध पिलाते हैं और ये अंडे नहीं देते हैं, जैसे और होते हैं बच्चे वो अंडे देते हैं। और इसी तरह एम्फीबियन के बारे में भी बताया हुआ है। एम्फीबियन में कौन से आते हैं, जैसे दिस एनिमल्स एम्फीबियन जैसे वाटर में रहते हैं, जो मेढक है और एम्फीबियन का जो बता रहे एनिमल्स वो वाटर में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। तो बच्चों एम्फीबियन कहाँ रहते हैं, जमीन में और पानी पर भी रहते हैं। और फिश है, फिश डिफरेंट टाइप में होती है, गोल्डन फिश, कई तरह की फिश होती है ना, है ना, स्टार फिश, और जिसकी तो कई नाम है जैसे आप लोगों ने देखा होगा। और आगे इंसेक्ट, लास्ट इंसेक्ट है। इंसेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आंट है,
वी बटर जैसे कि मॉस्किटो और स्पाइडर। तो बच्चों मैंने अभी बोर्ड पर आपको ये 6 डिफरेंट कैटेगरी के बारे में बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी है, और इन कैटेगरी को जो समझाया मैंने अब उनको हम बुक्स में पढ़ेंगे और बुक्स में समझेंगे। आंसर भी वहीं पर फिल कर दूंगी मैं, और वैसे ही आपको लिखना है जैसे इसमें आंसर लिखे हुए हैं। तो मैं इसमें रीड कर दे रही हूँ, फिर एक बार ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ लिख के बता दूंगी बोर्ड पे। ओनली आंसर लिख के बता दूंगी, बुक में मैं रीड करके आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपने वीडियो में बुक द्वारा पढ़ सकते हैं कि क्या इनके बारे में लिखा हुआ है। चलो बच्चों मैं बुक रीड करती हूँ। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है उसको मैं पढ़ के बता रही हूँ। दीज एनिमल्स हैव आर ड्राई स्केली स्किन, दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड हैव लंग्स टू ब्रेथ, दे बिकम इनएक्टिव इन विंटर। तो फर्स्ट नंबर पर जो बताया बच्चों रेप्टाइल, तो इनके बारे में बताएं इनकी स्किन कैसी होती है। स्किन ड्राई स्केली स्किन होती है, जैसे रूखी त्वचा होती है ना उस टाइप से, और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये टेम्परेचर के हिसाब से इनको जो टेम्परेचर सूट करता है उस हिसाब से ये दिखाई देते हैं। जैसे अभी गर्मी है तो लेजार्ड काफ़ी दिखाई देती है, और लेकिन जब विंटर का जो टाइम आ जाता है तो ये गायब हो जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जैसे लेजार्ड है, क्रोकोडाइल है, तो ये सब हमें क्या ये टेम्परेचर के हिसाब से दिखाई देते हैं। इनको जो टेम्परेचर के हिसाब से सूट होता है तब उसमें दिखाई देते हैं। जैसे विंटर आएगा तो विंटर में क्या होता है एकदम गायब हो जाते हैं, ये नहीं दिखते हैं। और ये कैसे होते हैं, हैव लंग्स यानी जो लंग्स द्वारा ये इनके जो फीचर्स होते हैं हैव लंग्स, तो इनका जो सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स होते हैं, और ये इनएक्टिव रहते हैं इन विंटर। और रेप्टाइल में जो मैंने अभी बताया थे रेप्टाइल में कौन से एनिमल्स आते हैं, रेप्टाइल में जैसे आते हैं कि क्रोकोडाइल है, लिजार्ड है, ये जो एनिमल्स हैं वो रेप्टाइल में आते हैं। तो बच्चों सेकंड नंबर का हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। दीज एनिमल्स हैव टू लेग्स, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, दे हैव अ वीक विंग एंड फिट ऑफ डिफरेंट शेप। तो बच्चों अभी हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा और उनके बारे में बताया कि क्या इनके साथ इनका क्या है, कैन फ्लाई मोस्ट ऑफ देम, जो बर्ड्स हैं ज़्यादातर उड़ सकती हैं, ऐसी कोई बर्ड्स नहीं है कि उड़ ना सकती। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो नहीं उड़ पाती हैं, जैसे कि किवी है वो नहीं उड़ पाती है, पेंगुइन है वो नहीं उड़ सकती हैं, है ना। तो इस टाइप की बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ सकती हैं। और इस तो कैन फ्लाई मोस्ट ऑफ देम हैव वी विंग्स फीट ऑफ डिफरेंट शेप। तो आपको यहाँ ये बताया गया है कि इनकी वीक्स भी होती है, उसको हम चौंच बोलते हैं, है ना, और विंग्स होते हैं काफ़ी यानी फायदा जो उड़ने के लिए होती है, उन पर विंग्स होती है फीट और डिफरेंट शेप। और इनकी जो पैर के जो पंजे होते हैं वो भी डिफरेंट शेप में होते हैं, किसी के सीधे किसी के थोड़े से फैले हुए पंजे होते हैं। तो बच्चों ये बर्ड्स के बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है आपको, और इसके बारे में यहाँ पर बताया पैरट और स्पैरो। तो आपको ये अच्छे से देखना है वीडियो और उसमें नोट करना है कॉपी में, इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं। तो आपको इस तरह से पूरा नोट करना है। तो अब मैं यहाँ पर ये हटा रही हूँ, उसके आगे और दूसरा समझाऊंगी। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ऑन मिल्क। तो बच्चों इसको हम बोर्ड पर समझेंगे कि गिव बर्थ टू यंग वंस, ये यंग वंस यानी जो उनको जन्म देते हैं, और फीड देम ऑन मिल्क, वो खुद ही बच्चों को फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं,
बच्चों को, बल्कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उन जैसे अंडे होते हैं, बल्कि अंडे नहीं होते इनके, और ये खुद ही तो बट टू यंग वंस खुद ही दूध पिलाते हैं, और ये बच्चों को अपना दूध पिला के बड़ा करते हैं। तो बच्चों यहाँ जो एग्जांपल दिया है जैसे मैमल का, काऊ, हॉर्स और एलिफेंट, तो ये खुद बच्चों इनको मैमल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देते हैं ये, और ये अंडे नहीं देते हैं, इसलिए इनको मैमल बोलते हैं। और अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। दीज एनिमल्स हैव अ मोस्ट मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन, दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो इनके बारे में बताया, ये एनिमल्स जो हैं मोस्ट मीन्स क्या होता है, गीला होता है, स्मूथ स्किन, लिव बोथ ऑन लैंड इन एंड इन वाटर। तो ये जो एनिमल्स हैं लैंड पर भी रहते हैं, इन वाटर ये वाटर के अंदर भी रहते हैं। और इन एनिमल्स का जैसे नेम बताया हुआ है, एम्फीबियन, फ्रॉग, क्रोकोडाइल। तो बच्चों ये में जो बताया कि ये क्या है, कैटेगरी है, एम्फीबियन जैसे मैमल, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो कैटेगरी के नाम से लिखे हुए हैं। और जो इनमें जो एनिमल्स जो बताए हुए हैं, जो एग्जांपल दिए हैं, जैसे फ्रॉग है, टर्टल्स है, तो ये एग्जांपल जो मैंने बताए हुए यहाँ पर, तो इनके बारे में। और मैं एक बार स्पेलिंग रिपीट करूँगी फिर से कि मैमल्स हैं जो बताए हुए हैं, जैसे मैमल्स में जैसे काऊ है, हॉर्स है, एलिफेंट है, ये मैमल की कैटेगरी है। और एम्फीबियंस की जो कैटेगरी है, जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फ्रॉग है, ये मैं अभी बता चुकी हूँ, ये आपको नोट करना है। और आगे फोर्थ तक मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, और आपके बच्चे हैं फिफ्थ और सिक्स, वो अभी आगे और बता दूँ। फिफ्थ नंबर का बेटा क्वेश्चन, दीज आर द एनिमल्स दैट स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन वाटर, दे ब्रीव अंडर वाटर थ्रू देयर गिल, दे हैव अ स्केली बॉडी। तो यहाँ पर बच्चों फिफ्थ का ये जो बताया हुआ है कि इनकी बॉडी स्केली रहती है, और ये फिश के बारे में, लिव इन वाटर, ये वाटर यानी पानी के अंदर रहती हैं फिश, ब्रेथ थ्रू गिल, तो इनके जो गिल होते हैं वे उनके द्वारा सांस लेते हैं। और जो इनकी कैटेगरी, जो फिश की जो कैटेगरी है, और इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसका एग्जांपल है गोल्ड फिश और शार्क, तो ये इनके एग्जांपल है। और एक बार स्पेलिंग और बोल दे रही, GOLD गोल्ड, FISH गोल्ड फिश, SHARK शार्क, तो ये इनके एग्जांपल है। अब हम सिक्स नंबर का समझेंगे। सिक्स का है इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। दे आर सिक्स लेग क्रिएचर, मोस्ट ऑफ देम हैव विंग्स एंड एंटीना, देयर बॉडी चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, दे लिव ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकाइंड मैटर, एनिमल्स एंड डिकिंग मैटर, ये इंसेक्ट के बारे में बता रहा है। इंसेक्ट की जो यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, सिक्स लेग, इनके सिक्स यानी छह पैर होते हैं, हैव विंग्स एंड एंटीना, इनके जो एंटीना यानी मूंछ जो होती है ना, आपने देखा होगा कि जो होती हैं जैसे आंट है, बटरफ्लाई है, वी है, इनकी क्या होता है मूंछ होती है ना, वैसे और क्या एंटीना, दे आर बॉडी चेंज, ये बॉडी बॉडी देयर बॉडी चेंज
ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इनका क्या है, बॉडी चेंज होती रहती है और इनके जैसे मतलब बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई अंडे होते हैं, अंडे के बाद फिर कुकून बन जाता है और कुकून बनने के बाद वो धीमे धीमे बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। तो इस तरह ये प्रोसेस रहता है इनका और इसीलिए इनको क्या जैसे इनकी जो लाइफ है जो चेंज बॉडी चेंज ड्यूरिंग द लाइफ है ना, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि वो उस हिसाब से इस जो इंसेक्ट के बारे में जो यहाँ पे लिखा है इसमें फिट हो रहा है। जैसे बताया कि बॉडीज चेंज देयर लाइफ साइकिल जैसे चेंज होती रहती है, जैसे मैंने बताया कि बटरफ्लाई का कि पहले एग होता है फिर उसके बाद कुकून बन जाता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई में आ जाते हैं। तो ये मैंने क्या बताया था बच्चों, इंसेक्ट के बारे में बताया था। तो ये कैटेगरी जो बताई है मैंने इंसेक्ट की, तो इसमें है आंट है, बटरफ्लाई है और बी है। और मैं इसको एक बार जो स्पेलिंग है वो एक बार और अलग अलग करके पढ़ के बता दूँ। ए एन टी आंट, सेकंड नंबर की बी यू डबल टी ई आर एफ एल बाय बटरफ्लाई और बी डबल ई बी है ना। तो ये मैंने आपको बताया और तो बच्चों यही ये ख़त्म हो रही है और आपको ये नोट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर पूछे जाएंगे। तो वो जैसे होमवर्क में हम पूछते हैं वैसा आप आंसर दीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से देखिए और वीडियो भी अच्छे से देखिए। चलिए बाय बच्चों।